मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर आम लोगों की तरह लाइन में लगकर मतदान किया। इसके अलावा मंदसौर के कुछ हिस्सों में चुनाव के बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। मंदसौर के फतेहगढ़ गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में ओवर ब्रिज समस्या और फोरलेन हाईवे पर जानलेवा पॉइंट में सुधार नहीं होने के कारण ये ग्रामीण नाराज थे। चुनाव से पहले लगातार ग्रामीण जन मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे थे। आज मतदान के मौके पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर बहिष्कार कर दिया। फतेहगढ़ में सुबह सिर्फ 15-20% ही मतदान हो सका। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। उत्साह के साथ मतदान करने घर से निकले हैं और सभी राजनीतिक दल भी और सामाजिक संस्थाएं भी, जनप्रतिनिधि भी, सब लोग मिलकर के मोटिवेट कर रहे हैं लोगों के घर घर जाकर के, कह रहे हैं कि भाई मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है मतदान के अलावा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सब खाना पीना बाद में, पहले मतदान करने जाएं, ऐसी अपील की है। मैं भी प्रार्थना करूंगा पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भी और जहां जहां ये मतदान हो रहा है वहां पर मैं अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अब जैसे वो अंतिम चरण का मतदान है, क्या उम्मीद लगती है आपको? 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।